जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी हां दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी ले गई। आप सभी अभ्यर्थियों का जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनका सपना इस बार पूरा होने वाला है। रक्षा मंत्री ने खुद दोस्तों ये सारी न्यूज़ है वो ट्वीट करके दिए। पहली बार आर्मी में 45,000 पदों पर यह भर्ती होगी क्योंकि सेना में बहुत सारे जवानों की कमी चल पा रही है, ऐसा रक्षा मंत्री ने खुद बताया है। साथ में सेना में खाली पड़े पदों को भरने की वो मंजूरी भी मिल चुकी है। सारे पद है दोस्तों, कौन कौन से पद है तो इसके बारे में आज सारी चर्चा करने वाले। योग्यता की बात करें तो योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए यहां पर वैकेंसी आने वाली है। रक्षा मंत्री ने कहा जल्द होगी शुरू भर्ती प्रक्रिया आपकी है, वो जल्द ही शुरू होने वाली है। कब से होने वाली है? साथ में आपकी ये 45,000 पदों की भर्ती है, ये ऑल इंडिया आपकी भर्ती होगी। आर्मी में ये भर्ती होने वाली है, आर्मी रैली भर्ती होने वाली है, सारे राज्यों में एक साथ रैली भर्ती आयोजित की जाएगी और मात्र इसी साल में ये 45,000 पदों को वो पूरा है वो कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, मैं सारी ऑफिशियली आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सेना भर्ती से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो ऑफिशियली मैं सारी न्यूज़ आपको बताने वाला हूं। अधिकारियों और जवानों की कमी से जूझ रही है भारतीय सेना, ऐसा रक्षा मंत्री ने कहा है। और साथ में राजनाथ सिंह ने सदन में ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि राजनाथ सिंह ने सदन में कहा है कि पिछले 3 साल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में 200 से ज़्यादा है वो भर्ती शिविर लगाए गए, रैली भर्तियां करवाई गई, फिर भी ये कमी पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने इसके नीचे आप यहां देख सकते हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय सेना में जवानों और अधिकारियों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। उन्होंने लिखित उत्तर देते हुए कहा है कि स्थल सेना में जो भारतीय आर्मी है उसमें 45,000 से ज्यादा जवानों की कमी चल रही है, इसमें लेफ्टिनेंट रैंक से ऊपर के 7,000 से ज्यादा अधिकारियों की कमी चल रही है। अगर बात करें गृह मंत्रालय ने कहा कि जनवरी 2019 तक लेफ्टिनेंट से ऊपर की रैंक के 7,399 पदों समेत कुल 45,634 पद अभी रिक्त है। सेना में इतने पद है वो रिक्त बताए गए। साथ में आप यहां देख सकते हो 80 से ज्यादा भर्ती शिविर लगाने की योजना भी बताई गई है। राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि पिछले 3 साल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में 200 से अधिक भर्ती शिविर लगाए गए, इस वर्ष 12 शिविर लगाए जा चुके हैं जबकि 80 भर्ती शिविर लगाने की योजना है वो रक्षा मंत्रालय है तो वो कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना में रिक्त पदों के पीछे कई वजह, उन्होंने बताया कि सेना में भर्ती एक नियमित प्रक्रिया है, समय समय पर भर्ती होती रहती है। उनकी माने तो सेना की चयन प्रक्रिया कड़ी है और अत्यधिक खतरा भी, साथ ही मुश्किल सर्विस कंडीशंस भी इसकी होती है। क्वालिटी से समझौता नहीं, उन्होंने रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना क्वालिटी से समझौता नहीं करती। इस दौरान उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा है कि ट्रेनिंग पूरी कर सेना में शामिल हो रहे रिक्रूट से रिक्तियां भरी जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना युवाओं को फौज के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रचार पर खर्च भी करती है। उन्होंने कहा कि अंतिम 3 वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2018-19 में युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रचार पर 8 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि है वो खर्च की गई। तो दोस्तों आप नए जो रिक्रूटमेंट है, जो रिक्रूट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। 45,000 पदों की इस बार आपकी सेना भर्ती रैली होने वाली है, मतलब 2019 में सारे पद है वो भरे जाएंगे, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बताया है। राज्यसभा में ये सारी जानकारी उन्होंने लिखित दी है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। सेना भर्ती होने वाली है 2019 में, सभी राज्यों की सेना भर्ती होने वाली है। जैसे दोस्तों इससे संबंधित कोई भी अपडेट या इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं जल्दी आपके सामने लेके आने वाला हूं। कब से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाले, कब कब आपकी रैली भर्ती होगी, इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आएंगे। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आर्मी रैली से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।